जब रोए भगवान विष्णु और वजह बनी माता लक्ष्मी। घर में सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी धन और संपन्नता की देवी है तो प्रभु विष्णु जगत के पालनहार हैं। दोनों की यह जोड़ी धरती के लोगों के जीवन में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब माँ लक्ष्मी की वजह से भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए थे। जानते हैं इसके पीछे की वजह। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार भगवान विष्णु ने अपने धाम से निकलकर धरती पर जाने का विचार बनाया और जब उन्होंने इसकी तैयारी शुरू की तो माँ लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वे धरती लोक पर घूमने जा रहे हैं। ये बात माँ लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु को उन्हें भी साथ ले जाने के लिए कहा तो भगवान विष्णु बोले कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, मगर एक शर्त है कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। वहीं माँ लक्ष्मी ने शर्त मान ली और जैसे ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे तो सूर्य देव उदय ही हुए थे और रात में हुई बारिश की वजह से आसपास फैली हरियाली की वजह से धरती काफी खूबसूरत नजर आ रही थी, जिसके चलते वे भूल गई कि उन्होंने विष्णु जी को कुछ वचन दिया है और वे उत्तर दिशा की ओर मुड़कर उस सुधनार बगीचे में चली गई। माँ लक्ष्मी को फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वहां से माँ लक्ष्मी बिना सोचे एक फूल भी तोड़ लाई। जब वे फूल तोड़ने के बाद वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देख विष्णु जी बोले, बिना किसी से पूछे उसकी चीज को हाथ नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ अपने वचन को भी विष्णु जी ने याद दिलाया, जिसे माँ लक्ष्मी भूल गई थी।